कदाचित शक्ति अर्जन करने से पहले कुछ और चाहिए होता है। शक्ति मांगने वाले भगवती जगदम्बा से शक्ति को मांगने वाले भूल मत करना। अगर पहले शक्ति मिल गई तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। वो शक्ति विविध तरह की होती है, धन की शक्ति, बल की शक्ति, पदों की शक्ति, शरीर के बल की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, कदाचित मन की भी शक्ति। आप शक्ति संपन्न हो जाओ लेकिन आपकी बुद्धि प्रज्ञा ना बने, प्रज्ञा रितंभरा ना बने, आपके पास सद्बुद्धि ना हो, आपके पास विवेकवान प्रज्ञा ना हो, आपके पास रित को सत्य को धारण करने की सामर्थ्य ना हो, तो वो शक्ति आपको मदोन्मत्त बना देती है। इसलिए शक्ति मांगने वाले चूक मत जाना। शक्ति का आवाहन करने वाले पहले शक्ति को धारण करने की सामर्थ्य अर्जित करनी पड़ती है, उसके लिए साधना करनी होती है। मुझे लगा कि मैं आप सबके बीच में आप सबको इसका स्वाद चखाऊं कि शक्तिमान बनने से पहले कौन सी साधना की उन्होंने भी, जिनको हमने अवतारी पुरुष माना। हम तो साधारण जन हैं, हमारी तो औकात ही क्या है, हम तो कौन से बाग के बथुए हैं। मैं उनकी बात करती हूं जिन्होंने श्रेष्ठत्व को धारण किया, महत्व को धारण किया, जिन्होंने महानता को धारण किया। वे जो अवतारी पुरुष हुए, वे जो महान महापुरुष हुए। पर आप भी जब भगवती का आराधन करते हो तो सबसे पहले क्या मांगते हो? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमने भी पहले शक्ति नहीं मांगी, हमने क्या मांगा? हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो आसुरी प्रवाह में बहते हैं, राक्षसत्व जिनके अंदर आ जाता है, उनको सींग नहीं उगते, वो बड़े बड़े दांतों के वाले नहीं होते, उनके नाखून बड़े बड़े नहीं होते, ये तो रूपक है। लेकिन राक्षसी भाव उनके पास, जिनको शक्ति मिली लेकिन संस्कार नहीं था, तो शक्ति ने उनको मदोन्मत्त बना दिया। जिनके पास धन की शक्ति आती है वो सबसे पहले स्वतंत्र हो जाते हैं मां बाप के अंकुश से। आपको सबसे बड़ा अंकुश खलता है, कौन सा खलता है? मां पिता के द्वारा प्रदत्त मर्यादा में नहीं रहना, जल्दी स्वतंत्र हो जाएं, जल्दी आजाद हो जाएं। तो जल्दी आजाद कैसे होंगे? नौकरी लग जाए, और नौकरी का जो वो पॉकेट मनी जो मिलेगा, वो जो तनख्वाह मिलेगी, जो सैलरी, जिससे सेल फोन मैनेज करोगे, बाप जी की तरफ झांकना ही नहीं पड़ेगा। उसने क्या किया? आज प्रातः काल में विचार कर रही थी कि जब अंकुश हटते हैं, जब मर्यादाओं के लंघन होते हैं, जब कोई देखने वाली दृष्टि नहीं होती और आप आजाद घूमते हैं, आपको लगता है हमारे पंख निकल आए, कितनी बड़ी भ्रांति होती है। वैसे ही जैसे चींटे को पंख निकलते हैं और वो उड़ता है, किसी प्रकाश के सामने मंडराता है और फिर नष्ट भ्रष्ट होकर धरती का कूड़ा बन जाता है ना। ऐसी निरंकुशता को धारण किया धार्मिक जगत के भी कुछ लोगों ने। माफ कीजिएगा मुझे, कदाचित आपकी भावनाओं को ठेस लगे। सत्य नहीं कहूंगी तो फिर कौन कहेगा? कड़वा होता है, कसैला होता है, हजम नहीं होता, स्वीकार नहीं होता। नवरात्रों के दिन में हमारे देश के अंदर बड़ी सुंदर एक परंपरा प्रारंभ हुई, रात्रि को गरबा, रात्रि को
डांडिया खेलने की परंपरा, उसने जो निरंकुश रूप धारण किया है और रात्रि भर होने वाले डांडिया के प्रति मैं श्रद्धा पे चोट नहीं कर रही हूं, पर डांडिया खेलने वाले कब एक दूसरे की भावनाओं से खेलने लग जाते हैं? सारी रात भगवती की आराधना नहीं होती? जिनके पास किसी भी तरह के साधन को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, वो उस पवित्र साधन को भी अशुचि पूर्ण बना देते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ इंटरटेनमेंट के कबाड़े होते हैं। आराधना और साधना तो मौसी के घर चली गई, बुरा मत मानिएगा, और बुरा लगेगा तो लगने दीजिए, मैं विवश हूं, मुझे कहना पड़ेगा कि खेलिएगा रंग, खेलिएगा डांडिया, पर किसी की भावना के साथ मत खेलिएगा। साधना है ये, इसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। और मुझे कभी कभी चिंता होती है कि सनातन धर्म के इन सारी व्यवस्थाओं पर अंकुश कौन लगाएगा? सब अपनी तरह, अपने तरीके से। साधना है ये नवरात्रे की साधना, शक्ति से पहले बुद्धि धारण करने की साधना, बुद्धि को मेधा बनाने की साधना, मेधा को प्रज्ञा बनाने की साधना, पवित्र सत्य को धारण करने की सामर्थ्य धारण कर सके हम, ये वो साधना जिसमें है तप, जिसमें है तितिक्षा, जिसमें है त्याग। क्या इंद्रियों पे अंकुश लगा सकते हो? अतिरिक्त नहीं भोजन करना, अन्न का त्याग करना है।